आज हम आए हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके, मूंग दाल चीला विथ स्टफ्ड पनीर। इसमें हमको सफिशेंट अमाउंट में कैलोरीज मिलती हैं, नियर अबाउट 130 कैलोरीज, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सफिशेंट अमाउंट में होता है। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपको ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है और डिसीज से लड़ने की क्षमता भी देती है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, साथ ही उनके लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। ये बड़ों और छोटों सबके लिए बहुत ही हेल्दी है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को एंजॉय करें। यहाँ पे हमने पनीर स्टफिंग बनाई है, पनीर घर में बनाया है। एक कप दूध में हाफ टेबल स्पून विनेगर ऐड करके पनीर घर में ही बनाया है। हम जनरली आदि के लिए घर का पनीर ही प्रिफर करते हैं। आप इसमें पनीर की जगह और भी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिक्स वेजिटेबल, आलू स्टफिंग और स्पिनच स्टफिंग, ये आपके ऊपर है। बच्चों के लिए हल्दी ज़रूर यूज़ करें, वो भी कोशिश करें कि हल्दी प्योर होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ में ही हीमोग्लोबिन भी बढ़ाती है। इस रेसिपी को आप एक साल के उम्र से देना स्टार्ट कर सकते हैं और ये बच्चे बड़ों सबके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। बैटर की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, उसको थोड़ा सा पतला कर लें ताकि वो प्रॉपरली स्प्रेड हो पाए, और इसको डोसा की तरह स्प्रेड करके दोनों तरफ से सेक के लो फ्लेम पे अच्छे से पका लें, स्टफिंग रखें और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी और कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ इसे इंजॉय करें और जरूर बना के देखें। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।